हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी डेली रूटीन। तो सुबह सबसे पहले मैं अपनी दोनों क्यूट टेडीज़ को लेके सो रही होती हूँ, और जब नींद टूट जाती है तो उठ रही होती हूँ। आए हाय, कितनी आलस आ रही है, पर क्या करें, उठना तो पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस है। तो बस इन दोनों प्यारी प्यारी छुटकुओं को मैं अपनी जगह पे, यानी उनके सोफे पे रख देती हूँ। अच्छा, मैं स्लीपर पहनना भूल रही थी। हाँ चलो रख देते हैं, आओ अब चलते हैं ब्रश करने। तो उसके बाद फाइनली मैं ब्रश करती हूँ, और इतनी नींद आ रही होती है ना, क्या बताओ। सो गाइज, इसके बाद मैं पीती हूँ यम्मी यम्मी चॉकलेट वाली दूध, जो मुझे बहुत पसंद है। और दिन में 2 ग्लास दूध पीना बहुत ज़रूरी है, एक सुबह और एक शाम को। है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं लेने वाली हूँ शावर, तो और मैं सोच रही हूँ मैं कौन सी वाली पहनूँ, ये वाली, ये कुछ ऐसी दिखती है, या फिर ये ब्लैक वाली टी शर्ट। रुको, मैं भैया से पूछती हूँ, लेकिन मेरे पास ब्लैक से मैचिंग एक्सेसरीज है। चलो भैया से पूछ ही लेते, भैया आज कोई शूट है? सो गाइस, मुझे एक आइडिया आ गई है, और मैं अभी शॉल लेकर आपको 2 मिनट्स में मिलती हूँ, फिर आपको दिख जाएगा मेरी आइडिया। अरे आप लोग आ गए, मैं भी रेडी होके आ गई। तो मैंने उस ड्रेस को कुछ इस तरीके से पहन लिया। अरे क्लास स्टार्ट होने वाली है, मेरी टॉवल, रुको मैं अभी टॉवल खोल के, बस 2 मिनट्स में आई, मैं आ गई और क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं क्लास कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ। सो गाइस, क्लासेस ख़त्म हो गई है, तो अब मैं करने वाली हूँ नाश्ता। तो आज मम्मी ने बनाया पराठा और आलू की सब्जी, चलो खाते हैं। सो गाइस, मैंने इसके बाद अपनी बेड समेट ली, और अब चलते हैं मंदिर में। तो ये है हमारे घर में छोटी सी एक मंदिर। आओ मैं आप लोगों को मेरी रूम की एक शॉर्ट टूर दे देती हूँ। तो सबसे पहले मेरी दरवाजे पे आप देखेंगे कि मैं आपको गुड वाइब्स और पीस विश कर रही हूँ। उसके बाद जब आप रूम में एंटर करते ही इस साइड में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये रेनबो वॉल हैंगिंग और ये गणेश जी की फ़ोटो। तो अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा ये हमारी टीवी और ऊपर ये कैंडो। वैसे तो ये हमारी डॉग नहीं है, मतलब असली वाली नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है ये, तो मैंने इसका नाम भी रख दिया। यहाँ पर मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ सामान, और ये एक मिनी डेस्क जहाँ पे मैं कभी कभार पढ़ाई करती हूँ, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसका हालत अच्छा नहीं है। और ये है मेरा बुक शेल्फ जहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, और ज़्यादातर समय मैं इसी पे बढ़ती हूँ। तो ये इतना सही है, तो इसमें ये एक छोटा सा, क्या बोलते, इसे याद नहीं है मुझे, वो है। और ये देखो, इसमें मेरे हेयर क्लिप्स है, हेयर बैंड्स है, और ऊपर भी आप देख सकते हैं दो फ्लावर के क्यूट क्यूट छोटे छोटे हेयर क्लिप्स है एक्चुअली। और ये मेरे कुछ स्किन केयर एसेंशियल है, मेरी निकनेम है बिन्नी। हमने स्कूल में पढ़ा था कि गांधी जी के आश्रम में बिन्नी नाम की एक बकरी भी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ है, कंप्यूटर है, माउस है, और ये एक चेयर है, और साइड में एक ड्रॉर है। अब ये सोफ़ा है, और ये हमारी टी टेबल है जहाँ पे मैं खा पीती हूँ। और ये सोफ़ा में मैं हमेशा बैठने को पसंद करती हूँ। और इसका जो डिज़ाइन है, इसके मतलब ऊपर बिछाई हुई चीज़ का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है पूची, और ये है बूची, एक्चुअली मैंने मजाक मजाक में इनका नाम रख दिया। और ये है एक मास्क का डिब्बा। तो चलो चलते हैं, अब ये है हमारा बेड, यानी मेरा बेड,
अरे मैं स्लीपिंग मास्क लेना भूल गई। अगर मैं इसे नहीं लेता ना तो मम्मा कहते कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ। अब यह है मेरी जाइंट अलमीरा। वैसे तो ये अकेली मेरी नहीं है, इसमें मम्मी का भी एक शेयर है। तो ये वाली मेरी है और ये वाली भी मेरी है, और बाकी इसमें और इसके नीचे वाले ड्रॉअर में मम्मी अपनी पर्स और साड़ियाँ रखती हैं। और ये हमारी ए सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 3D वॉल हैंगिंग है। अगर आपको ऐसी आइडियाज सीखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ये है ग्लो इन द डार्क स्टार्स, जिसे रात को देखना मुझे बहुत अच्छा। तो ये है मेरा वॉर्डरोब और ये ही सब है। ये वाले सारे जंप सूट्स है और कुछ बहुत कुछ है, नाइट सूट्स। और ये सामने वाले ये सारे शूट के कपड़े हैं, और ये सारे घर में पहनने वाले कपड़े, और ये जैसे मैंने बताया कैप्स और बेल्ट्स, और ये कुछ अनआयरन्ड कपड़े, और ये विंटर के एसेंशियल कपड़े, विंटर के मोटे जैकेट, ये स्वेटर्स और शॉक्स ग्लव्स, और ये मेरी घेरदार चीज़ें जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, इसके बाद हम दोनों यानी मैं और पूची मिलकर टीवी देखते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे कोई पास कोई काम नहीं रहता है तो बस ऐसे ही टीवी देखते हैं। और साथ में यम्मी यम्मी फ्रूट्स के मज़े लेते हैं। आज मैं यहाँ पे खा रही हूँ मैंगो और एप्पल। आप भी फ्रूट्स खाना। सो इसके बाद मेरी जितनी भी फोटोशूट करनी होती है या फिर मैं तस्वीर बनानी पसंद करती हूँ वो करती हूँ। मुझे फोटोशूट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अभी जब मौका मिल रहा है तो फोटो खींच लेते हैं। बाद में तो स्कूल हो गया, इतनी सारी काम होगी तब तो फोटो भी नहीं खींच पाएंगे ना। तो चलो फोटो खींचते हैं। You don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night. You don't forget that. सो गाइस, फोटोशूट के बाद मेरी एक डेली चोर्स होती है, दैट्स वॉटरिंग द प्लांट्स। तो मैं वही करती हूँ, वैसे तो ये घर वाले हैं। सो गाइस, मुझे इसके बाद लगती है बहुत जोर की भूख, तो मैं खाती हूँ अपनी लंच। सो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बोलना चाहती हूँ जो कि मेरी तरह बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, यानी जिनके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो उस ऐप का नाम है दीक्षा ऐप, जहाँ पे आप अपनी बोर्ड के हिसाब से पढ़ सकते हैं, और आपके क्लास के जितने भी बुक्स हैं, लाइक अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप जिस बोर्ड में पढ़ रहे हैं पहले आपको वो सिलेक्ट करनी होगी, देन आपकी मीडियम कौन सी है वो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम के जितने भी बुक्स है वो सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे इस ऐप में। और अगर कोई बुक आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप सर्च के ऑप्शन में जाके उस बुक को सर्च कर सकते हैं, या तो फिर आप बुक के पेज में दिए हुए QR कोड को स्कैन करके ढूंढ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है क्या होता है कि बहुत सारे डाउट हो जाते हैं एक बार, कि मतलब ऐसा टाइम आ जाता है कि टीचर को भी इतना पूछ नहीं पाते हैं कि इतना सारा डाउट हो जाता है। तो उस टाइम पे आप चैप्टर के हिसाब से डाउट, जिस टॉपिक पर भी आपके डाउट है वहाँ उस टॉपिक के वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर मान लो मेरी मैथमेटिक्स की डाउट है, तो मैं अपनी मैथमेटिक्स की बुक खोलूँगी, फिर चैप्टर सिलेक्ट करूँगी। उससे पहले मुझे वीडियो के ऑप्शन में जाना होगा, तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे ना कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये इतनी अच्छी एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं ना, क्या बताओ। और लाइक बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, कभी कभी बोर हो जाते हैं हम, तो ये बेस्ट ऐप है।
यहाँ पे बुक्स भी आपको ऑनलाइन मिल जा रहे हैं और अपने डाउट के सॉल्यूशन भी। और यही नहीं, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जिसमें जैसे कि एमसीक्यू हो सकते हैं और मतलब टाइपिंग करने वाले भी आंसर्स हो सकते हैं, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपकी डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो इस ऐप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना। तो आगे की वीडियो देखो। आओ चलो अब छत पर चलते हैं। ये देखो ये सारे पौधे हमारे हैं और आसमान कितनी खूबसूरत दिख रही है ना, ये कितना मज़ा आ रहा है। चलो पौधों पर पानी भी डाल लेते हैं। आपको क्या लग रहा है मैं इतनी जल्दी डाल रही हूँ? वैसा नहीं है, ये तो बस इफेक्ट का कमाल है। आ गई मैं, कैसी लग रही हूँ बताओ कमेंट में। ये देखो मैं नीचे ये पहनी हुई है और ऊपर ये। अब मैं स्टडी करने वाली हूँ। डिनर में क्या बना रही है? अच्छा फ्रेंच फ्राइज, अच्छा, और साथ में मम्मी ने कहा कि वेज सूप भी है, तो चलो खा लेते हैं। यम 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 यम। सो गाइस, रात के डिनर के बाद हम लोग अपनी फैमिली टाइम सेलिब्रेट करते हैं, यानी रात को डिनर के बाद हम लोग पूरी फैमिली के साथ मस्ती करते हैं। आज हम खेल रहे हैं कार्ड्स, या तो हम खेलते थे हम लूडो, चेस, कल हमने चेस खेली थी, आज कार्ड खेल रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे लूडो खेलेंगे, स्नेक एंड लैडर, ऐसे खेलते हैं। वैसे तो आज मैं और मम्मी सिर्फ खेल रहे हैं, पर दूसरे दिन पापा भी हमारे साथ खेलते थे लेकिन आज उनके बहुत काम है तो वो खेल नहीं पाए हमारे साथ। तो चलो आप मज़ा देखो और हम भी मज़ा करते हैं। You don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We were feeling high and I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. So damn high, we could touch the sky. Drunk on love, drunk on your lips. The feeling I will forever miss. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried. And then uske baad main brush karke so jaati hu. गुड नाइट गाइस। तो कैसी लगी आपको मेरी डेली रूटीन कमेंट में बताना प्लीज़। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।